औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा व तैयतु सना सल्लल्लाहु अलैहि वालि वसल्लम पर और आपकी आल पर। या रसूल अल्लाह, मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक पाकिस्तान, अहले शौक पंजाब और बिलउमूम शहर इकबाल सियालकोट से तलक रखने वाले जितने भी अहले शौक हैं इस ज़िला से, इस डिवीज़न से जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनकी खिदमत में दोस्तों, सियालकोट का बड़ा मशहूर कस्बा दरिया बदर, वहाँ से मैं बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ आप देख रहे हैं उस्ताद मलकरात अवान, जो कि मैं ये समझता हूँ, ये नहीं है कि मैं अक्सर एक बात को बार बार करता हूँ, लोग भी कहते होंगे लेकिन लाला जी आपको अपने पे एतमाद नहीं है, हालांकि एतमाद वाली बात नहीं है कि ये नहीं कि मैं अपनी इस बरादरी में खड़ा हूँ, अपने इन भाइयों में खड़ा हूँ। मलकरात अवान ने अनमोल ग्रुप को उसको आगे ले जाने में और बहुत सारे मामलात ऐसे थे कि उनको सुलझाने में उस्ताद मलकरात अवान का बड़ा अमल दखल है, और इनके साथ इनके साथी सरपरस्ती इनकी उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया साहब कर रहे हैं, उस्ताद राजा बाबू मुदसर साहब, खलीफा हसन पाबिला हैं, और भी उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया के शागिर्द आप एहसान जट है, ये बहुत सारे दोस्त हैं बाप जिनके नाम मुझे याद नहीं है, तारक भट्टी हैं, बड़ा एक पुराना बड़ा दरीना साथ है उनका। तो दोस्तों आलिया स्वज 2023 में मैं समझता हूँ कि अनमोल ग्रुप की पहचान जो है वो शहर इकबाल से इनके ये कबूतर भी बने हैं, और ये नहीं जेठ में इन्होंने अपनी कारकर्दगी के हवाले से बात की कि हमसे कोई नेगलिजेंसी ऐसे मामलात हुए कि हम जेठ में वो कारकर्दगी ना कर सके, मगर असवज में आके आपने देखा कि तीन शतों ने शहर सियालकोट के तकरीबन तमाम बड़े टूर्नामेंटों में पार्टिसिपेट भी किया, और उसमें नमाया पोजीशन है, और जिसमें खसूसी तौर पे मैं आज हमारा वो भाई हमें मौजूद नहीं है, मैं मलक बरादरान को खलीफा मलक हसन आप ममारा मलका दुबई में है, उन्होंने जो सबसे बड़ा बैगा इवेंट था चैंपियन सियालकोट स्काई किंग का अवार्ड उन्होंने अपने नाम किया, बाकी भी टूर्नामेंट थे, मलक साहब की छत भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो दोस्तों मलक बरादरान का, हनमोल ग्रुप के तमाम दोस्तों का शुक्रिया हम अदा करते हैं। तो हम अगले सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, तमाम दोस्त जब आप देख रहे हैं ये सारे इनके हाथों में उड़ने वाले जो कबूतर हैं इन्होंने थामे हुए हैं, हमने इंशाल्लाह आपको एक एक कबूतर का शौक भी करवाना है। तो थोड़ी देर पहले मलक साहब के छोटे भाई हैं तो वो आए, उन्होंने तारफ करवाया मलक शुजात, तो कहने लगे लाला जी ये हमसे बागी हैं, तो मैं एकदम चुकन्ना हुआ, मैंने कहा बागी होने से मुराद तो और बड़े मामलात हैं। तो एक शौक का हवाला था उस बात के पीछे कि शौक के हवाले से ये एक हमारा भाई है कि इससे जो है इस परिंदे से इतना पे। बाकी तक तुम जिन जिन लोगों को उन्होंने नाम लिए अपने चचा हैं उनके भाई हैं उनके, मतलब एक विरासती एक सिलसिला है उनमें। शुजात जी की हाल ने जी अल्लाह शुक्र ना, तो फिर तुहानू कई शुगल है जिम्मेदारी जिम्मेदारी बस जड़ी कार दे दित्ती है नी कार ले जिम्मेदारी तो मुराद मतलब है अपाशी जी जिम्मेदार कर दे जे पता है भी शौक है तुम्हारा पर मैं इस गल का पता है इस गल का मतलब जिंदगी दा ही नहीं कि ने कबूतर नाल शौक कर देने जिहड़ा जिस मकाम ते वो भी तुम्हारा शौक है इटा अच्छिया लगनिया चाहिए ने मयारी लगनी चाहिए ने कोठे का कन खड़ला सही होना चाहिए ये शौक है ना शौक नाल नहीं करो तो सुटे रहो दे घर दे पिछे मिस्त्री भी अपनी दिहाड़ ला के टुर जाए यही कबूतरबाजी का भी यही हाल है माशाल्लाह अल्लाह पाक तुहानू फलदे फुलदे रहो और अल्लाह पाक तुहानू और इतफाक और इताद जिहड़ी मैनू सब तो वड्डी गल है अपनी इस फैमिली जाके मैं मैनू जिहड़ी सब तो वड्डी खुशी है कि दस्तरखान की अल्लाह पाक ने बड़ी फजीलत रखी है और इंशाअल्लाह इतफाक नू कदी भी काटे नहीं होए ये साड़ा ईमान है अल्लाह तुहानू अगों भी सुरखरू करे ते तुसां सानू जॉइन कीता है बर्दाश्त कीता है साढ़े जाके खलोते हो तो तुहाड़ा शौक है ये मेरा इन्हां भरावां दा ते कोई की आखो दे शौक दे बारे किस तरह वेखदे हो कोई तंग तुंग नहीं पे कदी नहीं तंग नहीं पे अच्छा क्योंकि ना वड्डा होण दी नाते या मेरा मतलब वड्डे भाई ने ओ ते है ने ओ ते रिस्पेक्ट आपणी जगह ते जिहड़ा ना भाई यार दा शौक है अच्छा अलहमदुल्ला असीं हर टाइम इन्हां लई दुआ गोवां अल्लाह पाक इन्हां नूं हर सपोर्ट माशाल्लाह च चुतारक ने ते ओही सपोर्ट करदे ने ते इस फैमिली टोटल नूं ओही सपोर्ट करदे ने अलहमदुल्ला
बस ओ कमांदे ने खाने किसी चीज की कमी नहीं आन दी अल्हम्दुलिल्लाह जी। बड़ी मेहरबानी मलिक जी। तो दोस्तों मलिक शुजात साहब इसी तरह तुराब है, किधर है वो, किधर है तुराब? चाह बना दिया थोड़े पास। ये देखें दोस्तों भाई छोटा है तुराब भाई, हालांकि उस बच्चे को सामने होना चाहिए। मैं अक्सर एक गुमनाम सुनाऊंगा, बाद में बीच में बातें होंगी इंशाल्लाह। तो मलिक साहब के हाथ में उड़ने वाला उनका ये स्कॉड है, ये जितने भी कबूतर आप देख रहे हैं, हम आपको एक एक कबूतरों का शौक भी करवाएंगे, मलिक साहब को आपको बताएंगे भी। तो दोस्तों ये दोनों भाइयों में कोई फर्क कोई नजर आता है, कोई फर्क? मुझे तो नजर आ रहा है, पता नहीं आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं भी ठंडी मशीन में बैठने वाला हूँ, नीचे साए के बैठ के पूछने टेलीफोन पे क्या हाल है, कितने बैठ गए हैं, कितने ऊपर हैं, हवा चल रही है नहीं चल रही है। और जो लोग उन थपेड़ों के नीचे होते हैं, सूरज की किरणों के नीचे होते हैं, वो ये आप देख लें, बड़ा आप थोड़ा सा आपको फर्क नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये नहीं लोगों की मेहनत होती है और रहनुमाई पीछे जरूर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मेहनत करने वाले बेगार करें, मेहनत उस तरह ना करें उस मायार के मुताबिक, तो मैं समझता हूँ कि वो रिजल्ट जो है मिलने मुश्किल हैं। तो राब भाई हैं, इनके साथ एक और बच्चा भी है, वो हंस रहा है, ये सिपाही हैं इनके, माशाल्लाह। इनको मैं ज्यादा क्रेडिट दूंगा कि इन्हीं की मेहनत, दिन रात कबूतरों की देखभाल। ये भी मलिक साहब के अजीज हैं छोटे, क्या नाम है आपका? समीर आदर। समीर आदर जी, मतलब ये तुसी भी टूर्नामेंट दे दिन च इत्थे ही होंदे हो? हां जी, इत्थे। अच्छा अच्छा, टूर्नामेंट दे दिन च माजरत नाल इत्थे ही हुंदा है, लेकिन जोड़िया का सिस्टम है ना। अच्छा। वो सारा दे हैंड ओवर है। अच्छा, कम से कम 3 घंटे ने ड्यूटी देनी है सुबह उठ गए। अच्छा। उन्हां दी सफाई, उन्हां दा सिस्टम सीधा पधरा देखना, कोई मरीज तो नहीं, कोई दवाई दारू अगे पिछे, टोटल वो हैंड ओवर है। जोड़िया का सारा सिस्टम उन्हें करना है, उड़ान वाले कबूतर का सिस्टम इन्होंने दोनों ने करना है। तो आइए दोस्तों बिला तखीर, मैं समझता हूँ जाहिर है कि एक टीम वर्क है ये, कि जाहिर है जिस वक्त आप माज पे होते हैं आपको असले की ज़रूरत होती है, राशन की ज़रूरत होती है। राशन का भी अल्लाह का फजल है। कबूतरों की अगर मैं बात करूँ स्टफ़ के हवाले से, ये असले के हवाले से, तो वो भी इन्हें कोई कमियाँ नहीं है। तो आइए दोस्तों मैं मलिक रात अवान साहब से मुल्तमिस हूँ, मैं भी थोड़ी सी रेस्ट करूँगा, दवाई भी खानी है। ये आपको आज आपने उड़ने वाले स्कॉट का 2023 का वो शौक करवाने जा रहे हैं, फिर कुछ उनके ब्रीडर कबूतर हैं, और आखिर में जो कबूतर आप देखेंगे तो कुछ मेमे आपको नजर आएंगी माशाल्लाह। मैं तो अक्सर ऐसे कबूतरों को मेमो वाला कलर है उनका, बड़े खूबसूरत कबूतर, लाखा उनके घर की अपनी तैयार करदा ब्रीड। तो मलिक साहब आप जाएं एक एक करके, चलो जी रखना सामने आवे इधर मुंगर होना दसी पुत्रा सामने रखो पहला सामने रखो लाला जी बैठो इजी हो तुसी कर लेने आसे बिस्मिल्लाह इन्हां ना आखो लोकां दे कबूतर फड़दा है साडे कबूतर नहीं फड़े सवां लाला जी तुहाडे अपने कबूतर ठीक है ठीक है और सब ये केड़ा कबूतर है ये गोल्डन कबूतर है 007 ब्रीड है साडे घर ठीक है 007 माशाल्लाह एदे जिन्ने भी भैन भरा निकलदे ने ना ए जिथे असां भेजे ने दोस्तां नूं अखबाबां नूं या अपने कोल जिथे असीं वडाने पए आ इहनां दे आउट क्लास रिजल्ट ने ए जेठ भी साडे कोल उड्डे ने ठीक है ते असूं दे विच भी साडे कोल उड्डे ने ठीक हो गया ते माशाल्लाह नेरियां दे मास्टर ने हुण तां दी मत वज्जी विचारियां दी तुहानूं पता है टूर्नामेंट उड्डिया सी जी जी भाजी पंजे दिन 6:30 तों पार बैठा माशाल्लाह सॉरी 6 तो ठीक है सवा 6 6 अच्छी परफॉर्मेंस 6:30 ऐसी परफॉर्मेंस रही पंजे दिन ने ठीक है अखदा शुक्र हो है इंशाल्लाह
ठीक हो गए? बहुत पुरानी है, तकरीबन 15-16 साल तो चल दी आंदी भी साड़े कार दे विच। ठीक हो गया। बड़े आउट क्लास रिजल्ट ने इन्हां दे शाहदौर आंदे। ठीक है। इन्हां दा भी ओही जिथे जिथे भेजे ने या अपने कोल भी जिहड़ा बच्चा निकलना है उहना जबरदस्त परफॉर्मेंस करना। ठीक है। ए भी 6 तो पार ही 5 दिन बैठा है। अच्छी परफॉर्मेंस है जी। 5 दिन ही 6 तो पार बैठा। ठीक है। बड़ा अच्छा रिजल्ट इहदा भी आया। हां दोस्तों, ये कुंदा चेक करें, देखिए माशाल्लाह कुंदा। जबरदस्त जी, अख दा शौक। ठीक हो गया। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹਦੌਰ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋ ਰਹੇ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ, 4 ਦਿਨ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ। ठीक, अच्छी परफॉर्मेंस है जी, माशाल्लाह जी। दम देखो आदि जबरदस्त माशाल्लाह। जी ठीक। हाँ जी, अगे 22 नंबर का शौक करवाया थानू जी जी लाइव। ए माशाल्लाह उहदा भरा वे छोटा। ठीक है। असां पाया सी जिस दिन कबूतर साढ़े नूं उल्लू मार ने साढ़े घर आई ना, तीसरे दिन। तीसरे दिन तो बाद फिर जेड़ा कबूतर बैठ रहा सी, बैठ रहा सी 7:30 बजे। हां जी, लाखा कबूतर थानू भी बुलाने आ। वो बहंदा सी पहले, फिर ओवर टाइम हो गया 10:30 बजे बैठा बाद च, ओदी जगह ते फिर आ पाया सी। ए भी दोनों दिन ही अंधेरे च बैठा बाद च। माशाल्लाह ठीक है जी। अख इन्हां दी बहुत प्यारी है। क्रीचे पे ने कबूतर हूं ना। ठीक है। इन्हां दी जिहड़ी उम्र है ना वो 1-1 साल होई। ठीक है। इन्हां दिनां च असां ले आ के सुटे सन घरों, ते 4 भरा सुटे सन, माशाल्लाह 4 ही साढ़े कोल। ठीक हो गया। जेठ भी उड़े ने, असू भी उड़ गए। ये लाखा ब्रीड है। ऐ वो कबूतर है जेड़ा 7:15 बजे शाम नू बहंदा सी पिया, तैनू उल्लू पिया। अच्छा। ते डरदियां फिर समान चला गया, फायर निकलिया ना, डरदियां समान चला गया, राती फिर 10:30 बजे। पर इन्हां दे पुराने हो गए ने। और दादा भी पूछिए।
असन मलिक साहब वेख रहे ने उठे ने लड़ा जी 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 कत्ती नंबर कोशिश करना पे लाला जी हो सकता की मुलाकात हो मलिक हसन साहब ना उते मैं और उस्ताद सलाहुद्दीन शहरिया साहब काफी देर तो प्रोग्राम बनाने पे तो प्रोग्राम साडा नजदीक लगा है हुण देखो इंशाला विजिट करांगे मलिक हसन कोल दुबई का ये कत्ती नंबर पठा घर का ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਫੜਕ ਦੂਸਰੀ ਫੜਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਟੋਟਲ ਫੜਕਾਂ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਬੂਤਰ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ थोड़ी जी है जी हो ना मिसहैप हो वजह तो थोड़ा जहा ठीक लड़ लै गया सानू बाकी ओवरऑल माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आया फिर यह वो कबूतर है कि जिदिया सारिया टोटल परवादा ना मोर तो पहले टोटल परवादा नेरे दियां सन ठीक है जिस दिन कबूतर पहले दिन दो कबूतर चुके गए ना उल्लड़ लग गया लगड़ जिन्होंने बोलते हैं यह कबूतर दोनों टाइम कबूतर के नाल से उस तो बाद कबूतर डरिया डर के इन्हें परवाज अपनी की नहीं समान ही नहीं गया कोई चिड़ी भी लंघती तो इंज होंगे जी मैंने गोली लग डर गया तो ना था रखा सी एफसोला एफसोला ही काम करता है स्पीड नाल ही उड़ना भावें पांच घंटे उड़े तो भावें छे मोर डरन तो बाद पहले यदि परवाजा जो सारिया नेरे दियां नेरे दा मास्टर सारे कबूतर माशाल्लाह नेरे दे लगे हुए कबूतर ने साडे दा दोस्तों जी आप नजर आ रहे हैं आपका माशाल्लाह जी स्काइट मलिक साहब का माशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट ने जो 22 नंबर भी वेखते हो ना पे उन्होंने चाचे यानी उस ब्लड के ज्यादा ए बिच ब्लड हो रहे सारा डैडी या एक है बाकी तरीबदारी ठीक है
माशाला बहुत अच्छा रिजल्ट है, आउट क्लास रिजल्ट है इनका। पीछे पे है ना जिरकान रखे बन गए ठीक कुछ पट्ठे समय आ गया बहुत पॉइंट तो दस लेकिन मैरा आली मैदी लाई थी जेड़ी मैदी है ना मियां नज़ीर साहब सलारे टैर इन्हों जिन्हों भी अस गोल्डन च पाने ना या बटेरिया इन्हों का रिजल्ट जोड़ा ना खुद भी जैनमन भी बढ़ाए ने असा दस बई नंबर पत्थर जो ऐसे ब्रीड च होने जैनमन बड़े अच्छे उड्डे ने लेकिन जो असं क्रासा च करने तो मजीद बेहतरी रिजल्ट अच्छे ने चाली पंजाह पट्टियां पट्टे का घर के पीते ने खूबसूरतियां भी ने परवादा भी ने और लास्ट वाला बाई नंबर है मोहरां चुड़े है ठीक है शाहजोर ठीक है शाहजोर
शाह और बेसिकली कलर थी ना वो है ही सी ठीक है लेकिन उन्होंने हथ जड़ी है ना वो समझ लो कि सियालकोट की थी छोकरा होने क्वालिटी इन्होंने अगर तुम इन्हों टैडी कबूतर लाओगे सियालकोट ही शाहजोर ठीक है तो बच्चे टैडी बनाएगा ठीक है अगर तुम गोल्डन के नाल लाओगे ना तो बच्चे गोल्डन बनाएगा यानी वह अपने ते बच्चे लैके नहीं जाते कलर जरा जो नाल टच देने ना सी कलर वह कर जाते हैं ब्लड में शाहजोर हों को बहुत आउट क्लास रिजल्ट जाने पाँच दोस्तों ये मलिक साहब की शाहजोर ब्रीड है शाहजोर उन्हें तो शौक है हाँ जी दोस्तों खुंदा चेक करें माशाल्लाह जबरदस्ती ये पहलियाँ चलियाँ यानी दूसरा धाका हूँ जरा साफ करता एक दफा झाड़ चुके दूसरी दफा नहीं और ना बाद ना छापदार हो जाना ये पूरा पता पता जी मतलब सब केड़ा जी अभी शाह और गोल्डन ठीक है टोटल असें शाह और ही रखे हैं ठीक समझ आ रहा है।